अपनी पार्टी में चल रहे अंदरूनी झगड़े के बीच आज अरविंद केजरीवाल सामने आए, लेकिन केजरीवाल ने जो कुछ कहा, वो किस अंदाज में कहा, वो आपको दिखाएंगे। वो काफी हैरान कर देने वाला अंदाज है। केजरीवाल ने साफ शब्दों में कहा कि जिसे जो बोलना है। पार्टी में चल रहे अंदरूनी झगड़े के बीच आज अरविंद केजरीवाल सामने आए, लेकिन केजरीवाल ने जो कुछ कहा, वो किस अंदाज में कहा, वो आपको दिखाएंगे। वो काफी हैरान कर देने वाला अंदाज है। केजरीवाल ने साफ शब्दों में कहा कि जिसे जो बोलना है, जो लिखना है, जो करना है करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे लेकर एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। केजरीवाल का इशारा साफ है, वो प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव या पार्टी में बगावत करने वाले किसी भी नेता को अब तवज्जो देने वाले नहीं है। यू आर फेसिंग अ ह्यूज रिबेलियन इन योर पार्टी। लीडर्स आर कॉलिंग यू, यू नो, दे कंपेयरिंग यू टू स्टालिन। कोई बात नहीं, किसी को भी करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आज दिल्ली की गवर्नेंस की बात करें। आपको क्या लगता है कि गवर्नेंस पे इफेक्ट नहीं हुआ इस रिबेलियन की? बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया ने तो हमको बताया कि हुआ है। आप तो चले गए बैंगलोर, उनको तो फर्क पड़ा है। मैं अब लौट आया, सब सुलट जाएगा, चिंता मत करो। दिल्ली के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या कहता है, ये क्या कहता है। 24 घंटे इसी बात पे आप मेरे खड़े होके केजरीवाल के खिलाफ गाली देना, एक ब्लॉग लिख दो केजरीवाल के खिलाफ। देखो सारे कैमरे वाले ब्रेकिंग न्यूज चलाना शुरू कर, इसमें कुछ नहीं रखा। और गवर्नेंस की बात करते हैं, बट उन्होंने भी तो गवर्नेंस के सवाल उठाए इन टर्म्स ऑफ स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग। शी वांट्स टू आस्क समथिंग। नो, आई कम टू द क्वेश्चंस इन जस्ट अ मोमेंट, बट आई विल आंसर द क्वेश्चन। मैं यहाँ पे इस राजनीति में देश बदलने के लिए आया था, और अभी इमीडिएटली अगले 5 साल दिल्ली बदलने में मेरे 24 घंटे जाते हैं। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। आपका इंटरेस्ट, आपकी टीआरपी बनती है, आप अपनी टीआरपी बनाइए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें।